हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे हैं। आज मैं बहुत ही डिफरेंट वीडियो करने वाली हूँ। इट्स काइंड ऑफ अ व्लॉग, मतलब ऐसे कुछ फॉर्मल वे में नहीं होगा। मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मेरे पास जो मेकअप है मैं उसे कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो नए हैं, जो पुराने हैं, कुछ आइटम्स मैं डिस्कार्ड करूंगी, कुछ एक्सपायर हो चुके होंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप मेकअप लवर हो तो आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो ये 5 ड्रॉवर है जिसमें मेरा पूरा मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट होता है जो मैं यूज करती हूँ। और फिर यहाँ पर कुछ डेली रूटीन में आने वाले हेयर केयर स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, विच आई कीप। थोड़ा बहुत मेकअप ऊपर भी रहता है, मेकअप ब्रश रहता है, मिरर रहता है, कुछ काम की चीज़ें, यू नो, जो मेकअप के काम आती है। सो यहाँ पर ऊपर कुछ चीज़ें रखी हुई होती हैं जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जैसे ये सारे ब्रशेस। रिसेंटली मैंने इसे धोया है और काफ़ी अच्छे से धोया है। ये 2 मिरर मैं यूज़ करती हूँ वीडियो में भी, जब मुझे मेकअप करना होता है तो एक राइट साइड में रखती हूँ, एक लेफ्ट साइड में रखती हूँ। एंड देन आई हैव आई प्रोडक्ट्स हियर, मतलब ये छोटा सा रैक है जिसमें मेरे काजल वगैरह, लाइनर वगैरह होते हैं। ये थोड़े दिन पहले मैंने देख लिया था, ऑलरेडी मैंने इसको अच्छे से रख दिया है, पर मैं बाद में आपको बताऊंगी खुल के कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ड्रॉवर, जिसकी हालत आप देख सकते हो गाइज। मतलब पूरा मेस्ड अप है। इतने दिनों बाद मैं इसे देख रही हूँ कि मुझे याद भी नहीं है कि कौन सी चीज़ें ओरिजिनली कहाँ थी। तो ये पहला वाला ड्रॉवर है और इसकी चीज़ें मैं यहाँ नीचे फ्लोर पे मैंने क्लॉथ बिछा दिया है ताकि अच्छे से हर चीज़ मेरी इंटैक्ट रहे, कोई टूटे फूटे नहीं। तो ये फर्स्ट ड्रॉवर का मैंने सारा सामान यहाँ पे निकाल लिया है, जो बेसिकली मेरे सारे फाउंडेशंस और कंसीलर्स, पाउडर्स एंड लिपस्टिक्स हैं ज़्यादा करके। कुछ चीज़ें आपको और भी दिख रही होंगी, जैसे ब्लशर वगैरह, वो किसी और ड्रॉवर का है जो इसमें रखा होगा मैंने जल्दी जल्दी में। तो अभी सेकंड ड्रॉवर को देखते हैं। उसमें चीज़ें इतनी भी बिखरी हुई नहीं है, लेकिन आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि जो अपनी जगह पर है वहाँ पर चीज़ें हो जाएँ। जैसे कि ये सेक्शन पूरा सेटिंग स्प्रे का है और यहाँ पे मैं ब्लशर रखती हूँ, और ये वाला ब्रॉन्जर और हाइलाइटर का है। तो ये वाला मैं कहूँगी थोड़ा सॉर्टेड है। ये सारे ग्लिटर्स हैं मेरे, ये साइड में पूरे आई शेडोज, पूरे आई शेडो और ग्लिटर का ही सेक्शन है ये। अभी इसमें आईब्रो किट आ गया है जो यहाँ होना नहीं चाहिए, तो मैं एक काम करती हूँ इसको भी निकाल लेती हूँ, फिर हम एक साथ देखेंगे किसको कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो शायद ड्रॉवर 2 में होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं आई शेडो पैलेट से स्टार्ट करूँगी, ताकि मेरा जो एंग्जाइटी है वो कम हो जाए, कि ये टूट टूट ना जाए कहीं। और ये सिंपल भी होता है थोड़ा, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी। और सबसे डिफ़िकल्ट लिपस्टिक है तो मैं वो लास्ट में करने वाली हूँ। तो ये है हुडा मर्क्यूरी पैलेट यहाँ पर। दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल पैलेट। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बट यू कैन सी बहुत ज़्यादा क्रीमी है, सो अ वेरी गुड वन टू हैव। ये मेरा नेक्स्ट हुडा का पैलेट है, विच इज़ नॉट इन न्यूड। वैसे इन सब का तो मैंने रिव्यू वीडियो बनाया भी है, चैनल पे आप देखें आपको मिल जाएगा। सी द कलर्स, वेरी ब्यूटिफुल, आई लव दिस। थर्ड वन इज अगेन, ये भी हुडा ब्यूटी का ही है। इस पर भी आपको रिव्यू वीडियो मिल जाएगा। और इसके बाद मेरे पास एक फेक हुदा ब्यूटी का भी पैलेट है, ये मैंने लिया था कंपेयर करने के लिए, एक वीडियो बनाने के लिए, तो वो मैं बनाऊंगी। फिर ये है फॉरएवर 52 का एक्सप्रेसिव 35 कलर आई शेडो पैलेट। सो काफ़ी अच्छे कलर्स हैं इसमें। शिमर्स मुझे इतने पसंद नहीं आए इसके कभी भी, लेकिन मैट्स इसके काफ़ी अच्छे थे, तो मैं कह सकती हूँ कि अच्छा पैलेट है लेना हो तो। अभी तो वैसे मुझे मालूम भी नहीं आया, ये डिसकंटिन्यू हो गया होगा, तो फॉरएवर 52 के बहुत से पैलेट डिसकंटिन्यू हुए हैं, सो आई एम नॉट श्योर ये अभी मिलेगा कि नहीं। देन अगेन आई हैव फॉरएवर 52 पैलेट, बहुत ही कलरफुल पैलेट है, और ये भी पुराना है लेकिन बहुत पुराना नहीं है, ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया। आप देखोगे मैं कलरफुल आई शेडो पैलेट बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी मैंने सोचा है कि मैं कलरफुल वाले भी यूज़ किया करूँगी, तो विश मी लक फॉर दैट। और ये रेवोल्यूशन का ग्लिटर पैलेट है, बहुत पुराना है, मतलब लिटरली आप देखो इसकी पैकेजिंग भी एकदम से ख़राब होने लग गई है। तो ये शायद मैं इसे जाने दूँ या किसी को दे दूँ। इसके शेड्स वैसे मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि उस टाइम पर प्रेस ग्लिटर मुझे पता है
थे ही नहीं, मिलते ही नहीं थे। ये पहला था जो इंडिया में अवेलेबल था और मैंने लिया भी था। आप देखो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी फंगस भी आने लग गई है, तो मुझे नहीं लगता आप इसे यूज ही करना चाहिए, तो मोस्टली मैं इसे डिस्कार्ड ही करने वाली हूँ। और ये कुछ और पैलेट्स हैं मेरे पास फॉरएवर 52 के ही, ये काफी अच्छा था पर मुझे लगता है ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो क्वालिटी बहुत अच्छी थी फॉर द प्राइस। इसका ब्लैक शीट बहुत अच्छा है, इसके गोल्डन वगैरह भी बहुत अच्छे है, मैट शीट अच्छे है, और शायद ये डिसकंटिन्यूड हो चुका है। तो नेक्स्ट यहाँ पर पैक कॉस्मेटिक का ये पैलेट था, जो एक इसका बहुत अच्छा शेड था, गिर गया टूट गया, मैंने फेंक दिया क्योंकि उसकी वजह से बाकी के शेड खराब हो रहे थे। ब्लैक बहुत अच्छा है, ब्राउन अच्छा है इसका, और ये सारे शेड बहुत अच्छे हैं। लेकिन सिंगल स्वॉच पे आप देखोगे अभी तक इतना अच्छा पे ऑफ है, जबकि 2 साल तो हो ही चुका है इसको, पर इसका कलर अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैं इसको भी रखने का ही सोच रही हूँ। ये भी पैक का आई शेडो पैलेट था, इसमें यहाँ ब्लैक कलर था जो गिर के टूट गया है और ये पुराना भी हो गया। और ये है ग्लिटर गैलेक्सी कॉस्मेटिक का ब्राइड्स ऑफ इंडिया पैलेट, वन ऑफ माय फेवरेट और रिसेंट परचेजेस में से ही होगा ये। इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अफोर्डेबल है। शेड्स आप देख लो, इसमें आपको जितने भी काम के शेड चाहिए वो सारे हैं। चैनल पे आपको उसका डिटेल रिव्यू वीडियो मिल जाएगा इफ़ यू वॉन्ट टू बाय। किंगडम ऑफ फ्लैशेस का मूड स्विंग 3D ग्लिटर पैलेट जो मेरा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है, आपको भी पसंद आएगा। कितने अच्छे शेड्स हैं इसके आप देखो, आई मीन ऑल आर कलर शिफ्टिंग बहुत अच्छा है। आई कैन शो यू वन ऑफ इट, जस्ट अ क्विक वन। बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लिटर है इसका। और यहाँ पर है सारे ग्लिटर्स। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट तो करे नहीं है, लेकिन ये एक मेरी फेवरेट ब्रांड है, ग्लिटरी वर्ल्ड प्रेस ग्लिटर्स। इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, यहाँ से मैंने मंगाया था। बहुत सारे शेड्स मैंने मंगाए हैं, प्रेस ग्लिटर है, ग्लू की कोई ज़रूरत नहीं है, मेस फ्री है एकदम, और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। यहाँ पर कुछ बड़े वाले ग्लिटर्स भी हैं, जैसे ये वाला हार्ट शेप में है, आई कैन शो यू। उसके बाद फॉरएवर 52 के मेरे पास कुछ 3 ग्लिटर्स हैं। ये वाले लूज ग्लिटर है, इसमें आपको ग्लू की जरूरत पड़ेगी। दिस वन इज अ गोल्डन वन, ये सिल्वर है और ये ब्लैक है। और मिस क्लेयर के भी ये 3 लूज ग्लिटर्स हैं जो काफी अच्छे हैं, मुझे पसंद हैं। कुछ यहाँ पर फॉरएवर 52 के भी प्रेस ग्लिटर्स हैं। तो यहाँ पर मेरे सारे पैलेट्स आ गए, आप देख सकते हो, और पीछे मैंने ग्लिटर्स रखे है जहाँ उनकी जगह थी। अब यहाँ पर है मेरे पास हाईलाइटर, ब्लशर्स और ब्रॉन्जर्स। इतने ज्यादा ब्लशर्स मैं लेती नहीं हूँ, ये नया है, फ्लावर का है ब्लश बॉम, लिक्विड ब्लश है ये, तो मुझे कुछ ट्राई करना था। थोड़ा सा मुझे पिंकिश टोन चाहिए था जो मिला नहीं, तो मैंने यही वाला ट्राई किया। अच्छा सा आपको ये सनकिस्ड ब्लश इफेक्ट देगा, इट्स अ नाइस वन, यू कैन ट्राई दिस। उसके बाद एक माइग्लैम का भी ऐसे ही टिंट था मेरे पास जो बिल्कुल भी काम नहीं किया। आप देख सकते हो कलर इतना लाइट है कि दिखेगा ही नहीं, अनलेस आपकी स्किन काफ़ी फेयर हो, तो मेरे स्किन पे नहीं दिखता है। काफ़ी सारा लगाती हूँ तब थोड़ा बहुत दिखता है, काफी नेचुरल सा फ्लश देता है, बट आई थिंक फेयर स्किन पे ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये फॉरएवर 52 का ब्लशर है जो काफी फ्रेश है, लाइक कुछ 6 महीने पहले लिया होगा। मुझे ये इसलिए नहीं पसंद आया क्योंकि इसमें शिमर पार्टिकल्स इतने ज्यादा हैं, अभी आपको शायद नहीं दिखेगा लेकिन जब आप इसे अप्लाई करोगे ना फेस पे तो ऐसे लगता है हाईलाइटर लगा लिया कभी कभी, और मुझे इतना शिमर ब्लश में पसंद नहीं है। लाइक आपके फेस पे अगर थोड़ा भी बम्प वगैरह है या पिंपल है तो वो एकदम से हाईलाइट हो जाता है, अदरवाइज स्किन अगर आपकी एकदम क्लियर है तो बहुत अच्छा इफेक्ट देगा ये, इट्स अ हाईलाइटर कम ब्लशर। ये फॉरएवर 52 का स्टूडियो ब्लश है, काफी लाइट कलर है, अगेन फेयर स्किन पे अच्छा लगेगा। गॉर्जियस गर्ल के 2 ब्लशर हैं, ये मुझे काफी अच्छा लगा, काफी कॉस्ट इफेक्टिव है और इसमें आपको 3 शेड मिलता है। अब ये वाला मेरे से थोड़ा टूट भी गया है, बट आप देखोगे ना तो ये कलर बहुत अच्छा है, लाइक बहुत ही प्यारा सा पिंक शेड है, और ये ब्राउनिश शेड भी बहुत अच्छा लगता है, ब्रॉन्जिंग भी कर सकते हो। उसी में का एक ये भी है मेरे पास। और फिटमी के ये 2 ब्लशर मेरे पास हैं, दोनों ही मुझे नहीं पसंद। एक्चुअली शिमर भी ज्यादा नहीं है, पर जो शेड इन्होंने फोटो में दिखाया था मुझे अभी भी याद है, नायका से लिया था, ये बिल्कुल वैसा नहीं दिखता, इसीलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगा था। अदरवाइज कलर अच्छा है, आप यूज कर सकते हो। और फिर ये एक थोड़ा सा लाइट शेड आ गया था, तो ये भी मतलब फेयर स्किन पे मैं यूज़ कर लेती हूँ, पर अपने फेस पे मुझे ये बहुत अच्छा नहीं लगता है, बहुत लाइट कलर है, आप देख सकते हो। ये ब्लशर मेरा फेवरेट है, पेट एंड वाइल्ड मेलो वाइन, इसको मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करती हूँ। आप देखो थोड़ा पैन इसमें दिखने भी लग गया है, और बहुत प्यारा शेड है,
हर किसी की स्किन पे अच्छा लगेगा। इसी का डीप वर्जन ये नेल्फ का है, ये भी मुझे अच्छा लगता है और इसका पिगमेंटेशन काफ़ी है, तो थोड़ा सा ये लगाओगे तो काफ़ी दिख के आएगा। ये दो मेरे फेवरेट हैं। कफ्स एंड लैशेज़ का ब्लशर पैलेट लिया था, जो मैं आजकल बहुत यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सिंपल टू यूज़ है, एक ही पैलेट लेती हूँ और मोस्टली मेरा सारा कलर इसी में होता है। आजकल मैं यही ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ, तो ये सारे ब्लशर मेरे इसमें आ गए। ये अलग से मैं रखूँगी बाद में। तो ये कफ्स एंड लैशेज़ का पैलेट है जो काफ़ी यूज़फुल है। फिर ये रिमेल का ब्रॉन्जर है, ये भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा इसमें शिमर्स हैं। देन आई हैव क्राइलॉन का आई शेडो, जिसे मैं ब्रॉन्जर की तरह यूज़ करती हूँ। काफ़ी अच्छा सा सन किस्ड इफेक्ट आता है इसमें इसलिए, और बहुत ही बटरी है। उसके बाद ये शुगर का मिनी ब्रॉन्जर है, वुडी वंडर, ये भी मैं आजकल बहुत यूज़ कर रही हूँ। ये भी इसमें थोड़ी सी आई थिंक शाइन है, हल्की सी, इतना ज़्यादा चमकता नहीं है पर एकदम मैट भी नहीं है, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। फिर मेरे पास यहाँ पर कीको का कॉम्पैक्ट पाउडर है, इससे मैं ब्रॉन्जर जैसा यूज़ करती हूँ। और लास्ट ये फेसेस का फेस पैलेट है, जो बहुत पुराना है और देखोगे मैंने ये ब्रॉन्जर बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। बहुत अच्छा शेड है ये, इसमें हाइलाइटर और ब्लशर दोनों मिलता है। अब मेरे पास यहाँ पर हाइलाइटर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी फॉरएवर 52 का हाइलाइटर पैलेट, विच इज़ माय करंट फेवरेट। और देखो आप इसमें कैसे डेंट्स पड़ने लग रहे हैं, बहुत क्रीमी और बहुत अच्छा है ये। उसके बाद मेरे पास फॉरएवर 52 के ही दो और पैलेट्स हैं, इसके शेड्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। पहले ये लिया था मैंने, लास्ट में अभी ये स्पॉटलाइट वाला लिया है। उसके बाद वेट एंड वाइल्ड का भी मेरे पास प्रेशियस पेटल्स का एक हाइलाइटर है, ये मैं दिखा देती हूँ आपको। बहुत ही अच्छी सी शाइन है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा चमकता नहीं है, एकदम से सटल सा ग्लो आपको देगा, सो गुड फॉर नेचुरल ग्लो। और शुगर का एक हाइलाइटर है, मिनी हाइलाइटर, इसे मैंने काफ़ी यूज़ किया है। देखने में पाउडरी है लेकिन लगाने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा शाइन देता है ये। उसके बाद ये शुगर का जेली हाइलाइटर मैंने लिया था, जो बहुत ही अच्छा है लेकिन क्वान्टिटी इसकी बहुत कम है, तो इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। बाकी आपको दिखा दूँ कि कैसा दिखता है, एकदम से जेली टाइप है भी पर पिगमेंटेड भी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा ही लेना होता है और उसको डैप कर करके आप लगाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। देन आई हैव पैक स्ट्रोब क्रीम इन द शेड आइस, बहुत अच्छा हेल्दी ग्लो देता है ये फेस पे, इसको फाउंडेशन में मिक्स करती हूँ मैं। और पैक का ही शिमर टिंट है, ये गोल्डन सा ग्लो देता है, दोनों ही अच्छा है फाउंडेशन के लिए भी और आप ऊपर से भी लगा सकते हो। एंड लास्ट आई हैव फॉरएवर 52 लूज हाइलाइटर, जिसे मैं ओवर टॉप ऑफ माय मेकअप यूज़ करती हूँ लास्ट में, जब मुझे ज़्यादा हाइलाइटेड इफेक्ट चाहिए। तो काफ़ी क्वांटिटी भी है इसकी, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। अभी मुझे नहीं पता, शायद ये डिसकंटिन्यूड है, बाकी बहुत फाइनली मेल्टेड है, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो ये सारे मेरे सेटिंग स्प्रे हैं, सिर्फ ये एक मॉइस्चराइज़र है जो मैं साथ में रखती हूँ। ये रेवोल्यूशन का ग्लोई सेटिंग स्प्रे है, तो शाइन आता है फेस पे, बहुत अच्छा लगता है। एलेगल का ये एक फिक्सिंग स्प्रे है जिसमें शिमर्स है और ये थोड़ा ज़्यादा दिख के आता है, इसलिए मैं इसे बॉडी पे यूज़ करती हूँ, फेस पे नहीं यूज़ करती। बाकी ये सारे मेरे अच्छे वाले, ये मैट वाला है मुझे पसंद है, ऑयल नहीं आता फेस पे, एक थोड़ा ही बचा और एक न्यू है इसका। और ये बजट फ्रेंडली ऑप्शन है कलर एसेंस का, ये भी बहुत अच्छा सेटिंग स्प्रे है। तो यहाँ पर मेरा ब्लशर आ जाता है और ये जो पैलेट है ब्लशर का और हाइलाइटर का कॉन्टोर का, वो यहाँ रखा है। ये सारे कॉन्टोर और हाइलाइटिंग शेड्स और ये हमारे सारे सेटिंग स्प्रे यहाँ पर आ गए हैं। तो ये वाला ड्रॉवर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये मेरे फाउंडेशन का कलेक्शन है, इसमें ये दो मेरे फाउंडेशन को चेंज करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। फेयर करना है तो ये वाला मिक्स करती हूँ और येलो अंडरटोन करना है तो मैं ये वाला मिक्स करती हूँ, दोनों काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ज़्यादा करके मेरे पास मेबलिन सुपरस्टे फाउंडेशन है, इसके करीब करीब कुछ चार, आई थिंक यस, चार शेड मेरे पास है। लॉरियल के दो शेड्स हैं और एक मैट वाला भी है। और वेट एंड वाइल्ड का बहुत अच्छा है, फुल कवरेज फाउंडेशन है, ये मेरा आजकल काफ़ी फेवरेट हो गया है। उसके बाद शुगर का ये स्टिक फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये भी मैं यूज़ करती हूँ, काफ़ी हैंडी, इसके साथ ब्रश भी आता है। ये डार्क शेड मैंने लिया था कुछ स्पेशल पर्पजेज़ के लिए, किसी और के लिए, तो ये भी लेकिन अच्छा है, फिट मी का, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। फॉरएवर 52 इज़ अगेन अ वेरी गुड फाउंडेशन, इसके मेरे पास तीन शेड्स हैं यहाँ पर। और उसके बाद पैक का एक फाउंडेशन है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा डार्क है बट आई कैन यूज़ इट,
तो ये मेरे को पसंद है काफ़ी। और यहाँ पर क्रायलॉन का सुप्रा कलर पैलेट है मेरे पास, जिसे काफ़ी यूज़ किया है मैंने, आप देख सकते हो। इट्स वेरी क्रीमी, फुल कवरेज है, और इस पर भी आपको रिव्यू मिल जाएगा आपको देखना है तो। और ये है मेरे कंसीलर्स एंड कलर करेक्टर्स। ये ग्रीन करेक्टर है पैक का, काफ़ी अच्छा है। और वेट एंड वाइल्ड का भी ये व्हील है जो मैं यूज़ करती हूँ ग्रीन करेक्टर के लिए, और ये वाला शेड भी काफ़ी अच्छा है। वन ऑफ माई फेवरेट हैज़ बीन फॉरएवर 52 पैलेट, जिसकी हालत देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बहुत ज़्यादा यूज़ किया है मैंने, वो भी बहुत कम टाइम में। उसी के साथ साथ मेरे पास फॉरएवर 52 के कोई 4 कंसीलर्स हैं। ये ऑरेंज वाला है डार्क सर्कल वगैरह कवर करने के लिए, और ये लाइट डार्क शेड्स हैं जो मैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यूज़ करती हूँ। एले गर्ल के भी यहाँ पर कंसीलर्स हैं मेरे पास जो मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल, और काफ़ी अच्छे हैं। मोस्टली ये ख़त्म ही हो गए हैं, थोड़े थोड़े ही बचे होंगे। उसी तरह से लॉरियल ट्रू मैच का भी कंसीलर है जो आपको दिख ही रहा है कि ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। ये तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, पर मैं इसे पूरा यूज़ करके ही फेंकूंगी। यहाँ पर लॉरियल इनफैलिबल कंसीलर, वन ऑफ माय फेवरेट, ऑलमोस्ट डन विथ। ये बहुत अच्छा है, आई टेल यू, ये बहुत अच्छा है। अगर आपको एक ही चाहिए, ढंग का चाहिए, तो ये वाला लेना। फिर ये एज रिवाइंड कंसीलर जो पसंद बहुत है, लेकिन पैकेजिंग की वजह से ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। देन कॉन्टोर स्टिक एक है कैट्रिस की, और इट्स लाइक अ न्यूट्रल अंडरटोन, तो बहुत ज़्यादा फेस को ऑरेंज ऑरेंज नहीं बनाता है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। शेप भी काफ़ी अच्छा है इसका। देन आई हैव पैक का स्पॉटलाइट कंसीलर, अगेन इट्स अ वेरी गुड वन। और माई ग्लैम का ये टू फेस्ड कंसीलर है, इसे मैं आईब्रो वगैरह क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ इन अ पेंसिल फॉर्म। दीज आर माई लूज पाउडर्स एंड कॉम्पैक्ट पाउडर्स। देखोगे आप, बहुत ज़्यादा नहीं है। कॉम्पैक्ट पाउडर्स जनरली मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बस 2-3 ही होंगे मेरे पास। ये फॉरएवर 52 का है, ये वेट एंड ड्राई वाला भी एक है जिसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, पर अच्छा है, ये भी अच्छा है। फेसेस का मैंने यूज़ किया था काफ़ी, और इसमें अब ज़्यादा बचा भी नहीं, आप देख सकते हो पैन वगैरह दिख रहा है इसका। मेबलिन का है जो यूज़ हो रहा है काफ़ी, तो आई एम हैप्पी। और मेरा फेवरेट पाउडर है ये बनाना पाउडर रेवोल्यूशन का, अच्छा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। ट्रांसलूसेंट में एक ही रखा है मैंने लॉरियल का, और ये भी बहुत अच्छा, एकदम फाइनली मिल्टेड है। मेबलिन का पाउडर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी हद तक मैंने इसे यूज़ कर लिया है। और आजकल मैं यूज़ करती हूँ पैक का HD पाउडर, ये भी थोड़ा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है और बहुत फाइन है। एंड लास्टली आई हैव डर्मा कलर फिक्सिंग पाउडर जो क्रायलॉन ब्रांड का है, ये भी बहुत अच्छा है। ये मेरे कुछ प्राइमर्स हैं, फेवरेट वन इज़ माई ग्लैम टिंटेड परफेक्शन प्राइमर, बहुत अच्छा है पोर्स के लिए भी और स्किन को स्मूथ आउट करने के लिए भी। उसके बाद ये मेबलिन का प्राइमर है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, कॉस्ट इफेक्टिव है, आप ट्राई कर सकते हो। शुगर का भी मेरा अभी अभी मुझे अच्छा लगता है, और आप ले सकते हो। उसके बाद ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर है जो आपको काफ़ी ड्यूई बेस देगा, फाउंडेशन के साथ आप मिक्स कर सकते हो। आप चाहो तो टॉप ऑफ द फाउंडेशन भी एज अ हाइलाइटर लगा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव है। और ये है फॉरएवर 52 का सीरम बेस प्राइमर जो आप देख रहे हो, मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया है, थोड़ा ही बचा है। फॉरएवर 52 का ऑल मैट बेस प्राइमर बहुत अच्छा है पोर्स के लिए। तो यहाँ पर मेरे सारे फाउंडेशन आ गए हैं, और ये है मेरा पाउडर का सेक्शन, प्राइमर भी इसी के साथ में मैंने यहाँ साइड में रखा है। एंड दीज आर ऑल माय कंसीलर्स। सो दिस इज माय लिपस्टिक कलेक्शन, दिस इज ऑल आई हैव। स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, मेरे पास कुछ लिप पेंसिल्स हैं, 4-5 इसमें फॉरएवर 52 की हैं, कुछ नायका की हैं, इट्स लाइक अ मिक्स, पैक की भी इसमें आपको मिलेगी। उसके बाद ये वैसे तो लिक्विड आई शेडोज हैं, ये फॉरएवर 52 के हैं, और ये दो आई थिंक इट इज़ फ्रॉम फोकलर, और ये किको का है, तो ये मैं बस ये 5 ही है, तो मैं इनको लिपस्टिक के साथ ही रख देती हूँ। फिर ये कुछ लिप ग्लॉस है, लिप ग्लॉसेस ज़्यादा मैं वेयर नहीं करती हूँ, बट आजकल मैं किको का काफ़ी वेयर कर रही हूँ, और किको का ही ये दूसरा है जो मुझे पसंद है। दिस वन इज़ माय फेवरेट, दिस इज़ अ लिप पैलेट फ्रॉम फॉरएवर 52 जिसपे आपको डिटेल्ड रिव्यू वीडियो मिलेगा। उसके बाद नायका की ऑल डे मैट लिपस्टिक्स हैं, ये 4 काफ़ी अच्छी हैं, ट्रांसफर प्रूफ हैं। ये 4 फॉरएवर 52 की लिक्विड लिपस्टिक हैं, जिसमें मेरा ये रेड वाला कलर बहुत ज़्यादा फेवरेट है। उसके बाद नायका की ही ये 3 बुलेट लिपस्टिक्स हैं, ये 3 फेसेस की हैं, क्रेयॉन लिपस्टिक्स काफ़ी अच्छी हैं। देन आई हैव 3-4 शेड्स फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, जिसमें से फेवरेट वन इज़ गिव मी मोका, ये आई थिंक डिसकंटिन्यूड है, मेबलिन का कलर जॉल्ट मैट लिपस्टिक। दिस इज़ फॉरएवर 52 लिपस्टिक, बेसिकली ये लिप ग्लॉस टाइप ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, इतना मैं नहीं यूज करती हूँ इसको। ये मेरी फेवरेट शेड है फॉरएवर 52 वेलवेट रोज मैट लिपस्टिक, दीज आर अगेन फ्रॉम फॉरएवर 52, दीज आर ऑल क्रेयॉन लिपस्टिक। एंड देन आई हैव
गुड वराइटी ऑफ शेड फ्रॉम पैक लिक्विड लिपस्टिक्स. बहुत अच्छे शेड्स हैं ये और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं. देन हियर आई हैव फ्यू रैंडम लिपस्टिक्स लाइक मैक लिपस्टिक एंड लैक्मे 925 और रेवलॉन की जो सिंगल सिंगल है वो मैंने यहाँ पर रखी हुई है. तो ये मेरे नेल पेंट का कलेक्शन है, काफी छोटा है और बस सेलेक्टिव ही है इसमें जो मैं यूज करती हूँ. ये दोनों बहुत यूनिक है. ये टॉप कोट है, इससे कोई भी नेल पेंट आपकी ग्लॉसी होती है और इससे कोई भी नेल पेंट आपकी मैट हो जाती है. तो ये दो चीज मुझे बहुत काम की लगी. और लास्टली यहाँ पर लिपस्टिक्स मैंने अच्छे से रख दी है. आप देखोगे लिपस्टिक केसेस से काफी हैंडी होते हैं, ऐसे वाले अमेजोन पे इजीली अवेलेबल होते हैं. इसमें अच्छे से आपकी लिपस्टिक्स आ जाती है, मोस्टली तो आ ही जाती है. जो नहीं आई है उसको मैंने यहाँ बीच में इस केस में रख दिया है और लिप पेंसिल्स को अलग से रखा है. और पीछे मेरी ये नेल पेंट सारी आ गई है. और यहाँ इस केस में मेरे कुछ आई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो दो आईब्रो किट है, वेट एंड वाइल्ड का और लॉरियल का. और ये जेल लाइनर है, छोटे छोटे ब्रशेस हैं, थोड़े से शार्पनर्स मैंने इसमें रखे हुए हैं. यहाँ पर और भी जेल लाइनर्स हैं, फॉरएवर 52 के, बैक के, लॉरियल के. इस सेक्शन में मैं मस्कारा रखती हूँ और आईब्रो के लिए जो भी प्रोडक्ट यूज होते हैं वो सारे मैं रखती हूँ. और ये लास्ट में देखोगे आप तो आपको थोड़े बहुत लाइनर्स दिखेंगे और काजल दिखेंगे अलग अलग कलर के. और लास्टली ये कुछ पेन लाइनर्स हैं जिसको मैं अपसाइड डाउन करके रखती हूँ यहाँ बाहर अलग से, ताकि इसकी जो इंक है वो नीचे रहे. तो ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो एक्चुअली मैं मेकअप और स्किन केयर में अभी यूज़ नहीं करूँगी, बिकॉज दे आर फ्रेश. यू कैन सी ये सब मेरी शीट मास्क वगैरह है, इसमें स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, क्लेंजिंग बाम्स हैं मेरे. तो ये सारी चीज़ें मैं अभी नहीं यूज़ करूँगी, इसलिए मैं बस ये न्यू फ्रेश पैकेट के साथ मैं इसके अंदर डाल देती हूँ. इसमें मेकअप भी आपको दिख जाएगा, जैसे ये हुडा ब्यूटी फाउंडेशंस रखे हुए हैं इसके अंदर. तो इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो अभी न्यूली बॉट है और जिस पे या तो वीडियो बननी है या तो वो चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है कि मैं उसे यूज़ करने में लाऊं. सो दिस इज़ हाउ आई कीप अ ट्रैक ऑफ. जो चीज़ें पहले आ रही है उसे मैं पहले यूज़ करूँ और जो बाद में आएगा उसको मैं बाद में रखती हूँ. बिल्कुल उसी तरह यहाँ नीचे भी एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड ही बोलूंगी मैं तो इसको. अब इससे ज़्यादा मैं ऑर्गेनाइज कर नहीं सकती. यहाँ पे कुछ हेयर प्रोडक्ट्स हैं जैसे पफिंग वगैरह है और हेयर एक्सटेंशंस हैं और ये सारी यू पिन्स, बॉबी पिन्स और ऐसे मैं चीज़ें रखती हूँ. यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंसेज भी हैं, थोड़े वन डे वेयर वाले, थोड़े से यहाँ पर लैशेज वगैरह रखी हुई हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं जो फिलहाल तो मुझे ऑर्गेनाइज लग रही हैं, तो मैं इसे नहीं टच करूँगी. और बिल्कुल इसी तरह लास्ट ड्रॉवर है जिसमें कुछ सनस्क्रीन मेरी पड़ी है, कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो ऊपर नहीं आए, तो मैंने उसको यहाँ नीचे फिलहाल के लिए रखा हुआ है क्योंकि अभी मुझे नहीं पता था कि इस ड्रॉवर का क्या यूज़ करना है. ये मेरा फैन है जो बहुत काम आता है वैसे मेकअप वगैरह सुखाने में. सो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही. तो आप बता सकते हो कि कैसा लगा आपको मेरा मेकअप कलेक्शन और आप किस तरह की वीडियो और देखना चाहते हो. डू यू लाइक सच कंटेंट, बिकॉज इट्स अ न्यू वन फॉर मी एंड फॉर यू गाइस एज वेल. तो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. आई विल मेक मोर वीडियोस लाइक दैट. आई होप यू हैव एंजॉयड वॉचिंग इट. प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. बाय बाय.